हनी चंदीला व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम कवर करने जा रहे हैं 115 गज में इंडिपेंड हाउस। लोकेशन रहेगी आपकी गाजियाबाद। तो काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। अभी हम दिल्ली हैं, दिल्ली से जैसे हम जाएंगे आपको दिखाएंगे दोस्तों। आज हम आपको पूरा टूर कराएंगे दोस्तों, दिल्ली से कैसे कैसे आपको आना है आप देख सकते हो। ये आपका दिल्ली से निकलने के लिए और लेफ्ट साइड में फिल्म सिटी हो गई आपकी, और ये राइट साइड में आपका है मायावती का पार्क नोएडा वाला, और ये है सेक्टर 18 के लिए जाते हैं यहाँ से, और ये आपका NH 24 आ जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो आप देख सकते हो NH 24 पे हम चल रहे हैं यहाँ पर। ये आपका आ गया DLF मॉल दोस्तों, काफ़ी बड़ा मॉल है ये आपका। दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट होती थी कि आप हमें डायरेक्टली इंडिपेंड हाउस के पास ले जाते हो, मेरा कहने का मतलब ये होता है दोस्तों आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं, कम टाइम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों मैं आपके लिए पूरा टूर कराऊंगा आपको। तो इंडिपेंड हाउस को आज हम दिखाएंगे, हम आपको पूरा शूट कराएंगे। ये दोस्तों हम जैसे यहाँ से निकलते हैं, ये आपको मेट्रो के लिए जाता है यहाँ से, ये मेट्रो के लिए जाता है सेक्टर 16। और हम नीचे से जैसे निकलेंगे यहाँ से, और अब हम आ चुके हैं दोस्तों आप देख सकते हो, ये सीधा जाता है आपका गाजियाबाद। और बट हम आपको निकालेंगे, ये आपका होगा इस्कॉन टेंपल, और ये आपका लेफ्ट साइड में स्कूल हो गया आपका बिजनेस दोस्तों। अब हम यहाँ से कोर सिटी मॉल के लिए निकलेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हो सीधा जाता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और लेफ्ट साइड में आपका जाता है गाजियाबाद। और हम आ चुके हैं गौर सिटी, गौर सिटी के बाद दोस्तों यहाँ से हम ये सीधा आपको कनेक्टेड करता है NH 91 से गाजियाबाद लाल कुएँ से 3 किलोमीटर आगे, सीधा आपको कनेक्टेड करता है ये गौर सिटी वाला मेन रास्ता आपको दोस्तों। आपको पूरा टूर कराया है आप देखना, अगर आपके समझ में कुछ कम आए तो दोस्तों आप डायरेक्टली ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैसे कैसे आपको आना है दिल्ली से। और दिल्ली से डिस्टेंस की बात करें तो 22 किलोमीटर होने वाली है इसकी लोकेशन की, और ये हम आ चुके हैं MS टावर के पास दोस्तों गाजियाबाद लाल कुएँ से 3 किलोमीटर आगे। हम जैसे ही इसमें एंट्री करते हैं यहाँ से MS टावर में, यहाँ से आप देख सकते हो अंदर की तरफ चलेंगे हम, तो ये आपका आ गया वाइट रोड, 30 फीट का ये रोड है आपका, काफ़ी चौड़ा रोड मिल रहा है आपको। मार्केट वगैरह आपको डेली नीड्स की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। हॉस्पिटल की बात करें और आपके स्कूल की बात करें तो पास में ही है, 100 मीटर के दायरे में आपको हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर ही। इंडिपेंड हाउस के पास में काफ़ी फैमिली शिफ्टेड है दोस्तों, और आप देखकर बताना आपको इंडिपेंड हाउस कैसा लगा। मैंने आपको पूरा टूर कराया, हम आज देख सकते हैं पूरा आपको दिखाया है वीडियो में। आपके लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका कम टाइम लगता है इसमें, अगर आप मोस्टली कहीं भी विजिट करने जाते हो तो आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है दोस्तों, बट आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाती। बट इसमें क्या है, आपको पूरा हम टूर करा रहे हैं जिससे कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और विजिट कर सकते हो। राइट साइड में आप देख सकते हो मैरिज होम है ये आपका, तो ये भी आपका ज़्यादा दूर नहीं है इंडिपेंड हाउस से, 100 मीटर के दायरे पर है। और राइट साइड में जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं 50 मीटर, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्कूल, तो ये आपका स्कूल आ गया दोस्तों। लोकेशन काफ़ी अच्छी है आपकी, ये आपका स्कूल है दोस्तों, लोकेशन काफ़ी अच्छी है दोस्तों आपकी। और आप बताना कैसा लगा इंडिपेंड हाउस।
अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम हैं गिरधरपुर में, मार्केट वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी यहाँ पे मार्केट बनी हुई है। ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली शिफ्टेड हैं तो काफ़ी अच्छा एरिया है आपका। अगर आपको रेंट के पर्पज़ से लेना है या रहने के पर्पज़ से लेना है, दोनों तरह से आपके लिए बेस्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों। और 80% आपका लोन हो जाएगा, प्राइवेट बैंक इस पे लोन करेंगे आपकी प्रॉपर्टी पर। अब हम आ चुके हैं इंडिपेंड हाउस के पास। आप देख सकते हो रैंप में कितना अच्छा वर्क मिल रहा है आपको, टोटल वर्क पत्थर का मिल रहा है। और एलिवेशन में बात करें तो टाइल्स का वर्क मिल रहा है आपको। मेन एंट्री में बात करें तो आपको MS का डोर मिल रहा है और कार पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस मिल रहा है आपको। 4 फीट तक आपको टाइल्स का वर्क मिल रहा है, बॉर्डर पर POP का वर्क मिल रहा है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है। अगर आप इस वीडियो में आप देख रहे होगे, इतना अच्छा इंडिपेंड हाउस नहीं मिल पाएगा आपको और इतने कम प्राइस में दोस्तों। और स्टेयर्स पे आप देख सकते हो कितने अच्छा वर्क मिल रहा है आपको। और ये आपकी एक एंट्री यहाँ से है, दो एंट्री है इसकी दोस्तों। ये जैसे हम इसमें एंट्री करते हैं आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको लिविंग स्पेस में। और ये आप POP का वर्क देख सकते हो। 3 BHK का इंडिपेंड हाउस इतना अच्छा बना हुआ है, कितना प्यारा इंडिपेंड हाउस आपको मिल रहा है दोस्तों। तो साइज भी रूम के काफ़ी बड़े हैं आप देख सकते हो। नॉर्मली आप देख सकते हो अगर आपको बिल्डर्स इंडिपेंड हाउस बना कर देता है तो उसमें टाइल्स का वर्क होता है नीचे, इसमें पर टोटल आपको वर्क मिला है, पत्थर का वर्क मिला है दोस्तों। तो मालिक से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे हैं हम इसे इमरजेंसी में सेल करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है, किचन का वर्क देख सकते हो, मॉडलर आपको किचन मिल रही है यहाँ पर। स्लैब पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक विंडो मिल रही है आपको। तो काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है, सुंदर घर बना हुआ है आपका। तो आप देख सकते हो वर्क भी इसमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको। विंडो के पास आप देख सकते हो वुडन का वर्क मिल रहा है आपको और ये POP का वर्क भी काफ़ी शानदार है दोस्तों। और ये देख सकते हो पत्थर में आपको इतनी अच्छी पट्टी का वर्क मिल रहा है। और ये आपका ये रूम में अटैच है मास्टर बेडरूम, यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस मिल रहा है। ये आपका साफ्ट हो गया, तो ये आपका वॉशरूम हो गया दोस्तों। इसमें आपको इंग्लिश सीट लगा के दे रहे हैं, दो इसमें वॉशरूम है इंडिपेंड हाउस में। ये आपका वॉश बेसिन हो गया, काफ़ी सुंदर वर्क मिल रहा है दोस्तों आपको और काफ़ी सुंदर इंडिपेंड हाउस बना हुआ है आपका। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये आपका सेकेंड रूम है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो ड्रॉर को लिए यहाँ पे स्पेस मिल रहा है आपको। तो POP का वर्क भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी शानदार इंडिपेंड हाउस बना हुआ है दोस्तों। तो आपको बताना आपको कैसा लगा, ये आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इतना इंडिपेंड हाउस मिल रहा है, इतना सस्ता, काफ़ी सस्ता इंडिपेंड हाउस मिल रहा है आपको ये आज इस प्राइस का। आप सुनने का ये आप देख सकते हो, ये आपका थर्ड रूम है दोस्तों, इसमें भी आपको बॉर्डर तक वर्क मिल रहा है और POP का वर्क मिल रहा है। इसकी एंट्री भी है बाहर की, ये एंट्री आपकी, और यहाँ पर आपको वॉशरूम मिल रहा है। अब हम चलते हैं टेरेस पे दोस्तों, ये आप देख सकते हो विंडो का वर्क मिल रहा है आपको। अब हम टेरेस पे चलते हैं दोस्तों। तो टेरेस पे जैसे हम जा रहे हैं तो स्टेयर्स पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा वर्क मिला है पत्थर का, और ये आपको बॉर्डर पर वर्क मिला है टाइल्स का। तो काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है आपका। तो लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, गाज़ियाबाद लाल कुएँ से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका गिरधरपुर। तो ये गिरधरपुर में आपकी प्रॉपर्टी है, ऑन रोड से 400 मीटर अंदर। इतना अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है तो उनको अर्जेंट में ही बेचना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने मुझसे भी कॉल करके डायरेक्टली बात की थी। तो मैंने उनसे बोला ठीक है क्यों ना इसका शूट करा जाए। तो आप इसका रिव्यू बताना कैसा लगा आपको। अगर आपको कोई भी
और किसी को भी इन्फॉर्मेशन इसी प्रॉपर्टी के बारे में चाहिए, रजिस्ट्री वगैरह कोई भी, तो आप इसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो काफ़ी फैमिली यहाँ पे शिफ्टेड है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आसपास में काफ़ी फैमिली शिफ्टेड है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसकी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ उस तक पहुँचा देना इंडिपेंड हाउस की, अगर किसी की रिक्वायरमेंट हो कम बजट में। तो काफ़ी अच्छा इंडिपेंड हाउस बना हुआ है, 20% आपको डाउन पेमेंट करनी है, 80% आपका लोन हो जाएगा। तो आपका इंडिपेंड हाउस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आपने देखा है, तो पूरा आपको टूर कराया है दोस्तों। आप बताना वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। प्राइस की बात करें दोस्तों, डिमांड है इसकी 35 लाख, और दोस्तों आप बताना आपको कैसा लगा इंडिपेंड हाउस।